મુકજો અહીંયા, વાસીઓ નહીં સોરી કચ્છ વોરિયર્સ, બે વોરિયર્સ છે ને એટલે મિક્સ થઈ જાય છે. અમ્પાયર ટાઈમ નો કોલ પણ કરી દેગા, 35 મિનિટ ઓનલી, ઓકે એનીવે પેનલ્ટી સ્ટ્રિક્ટલી. વારા ફરતી બેન કચ્છ વોરિયર્સ કે ઓર સે ભાવિક ઓર ગૌરવ ભાઈ ગ્રાઉન્ડ ની બહાર આવી જજો. ઠાકોર 11 આઉટ ઓફ ધ ગ્રાઉન્ડ, ગ્રાઉન્ડ ની બહાર થી આવજો ભાઈ. 41 તમે તમારી ફિલ્ડિંગ લગાવી દો. ભરતભાઈ કોઓપરેટ કરો. અમ્પાયર સ્ટાર્ટ ધ મેચ ફર્સ્ટ, ઓકે ભાવિક ઓર ગૌરવ. પ્લેયર બતાવી દેજો ક્યાં ક્યાં છે. 11 કઈ કઈ છે બતાવી દે. જી હા, 41 ટાઈમ માં કોઓપરેટ કરે પ્લીઝ. બોલર અગર આકાશ હે તો હાથ ઉપર કરે. બોલર આકાશ પંકજ છે, ઓકે પંકજ પંકજ જી હા પંકજ. 41 કે વર્ષ નો પહેલા ઓવર લેકે આતે હુએ ફર્સ્ટ ઇનિંગ. ભાઈ જમવામાં બાકી હોય જમી લેજો ભાઈ, સામે સ્ટેન્ડમાં બાકી છે જેટલા પણ બેઠા છે એ બધા જમી લેજો ભાઈ. રામદેવ 11 ઠાકોર 11 વાસી વરસ જે બાકી છે જમી લેજો ભાઈ. બીજા સબસે આ થવા દે. બોલો પંકજ પંકજ શું દોડ બોલ કાઢ્યો. જી આપ દેખ રહે પહેલા સેમિફાઇનલ 41 ઓર કચ્છ વોરિયર્સ. જી આઈ થિંક ફર્સ્ટ ટાઈમ કચ્છ વોરિયર્સ ઇન ધ સેમિફાઇનલ. જી ભાવિકભાઈ કન્ટિન્યુ બે બોલ ડોટ કર્યા છે, કન્ટિન્યુ બે બોલ ડોટ. જી ભાવિક પટેલ ભાવિક ભગત ઓર આઈ થિંક પંકજ. ઉઠા દીધા ગેંદ કો, એક ટપ્પા ખાને કે બાદ ગેંદ જાતી સીમા રેખા કે બાદ 4 રન હો ગયે ઓર કચ્છ વોરિયર્સ કા ખેમા બહોત હી ખુશ નજર આતા હુઆ. ઇતની તાલિયા પડ રહી આપ દેખ રહે કચ્છ વોરિયર્સ કી ઓર સે. પંકજ કો લગને વાલા પહેલા ચોકા આપ દેખ રહે યહાં પે સ્ટાર કપ કો ફર્સ્ટ સેમિફાઇનલ. લેફ્ટ કેમેરા મે સ્ટાર્ટ ધ મેચ. ભાઈ સેમિફાઇનલ સે ટાઈમ ભી કેલ્ક્યુલેટ કિયા જાતા હૈ તો જલ્દી કરના, વરના 5 રન કા પેનલ્ટી હૈ. આપકે પાસ 35 મિનિટ કા ટાઈમ હૈ, 35 મિનિટ 35 મિનિટ. એન્ડ ભાવિક અમ્પાયર ડિસિઝન, લાસ્ટ ડિસિઝન ભાવિક ભાઈ અમ્પાયર ડિસિઝન, લાસ્ટ ડિસિઝન.
Pankaj to Bhavik. जैसे कच्छ वॉरियर्स ने पहली मैच में स्टार्ट किया था वैसा कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल. एकदम थमासा क्रिकेट, एकदम रुका सा क्रिकेट देख रहे हैं आप. चार बॉल लौट हो चुकी है अभी तक. ये तो मिस फील्ड है, मिस फील्ड की वजह से चौका जाता है ना तो बहुत दर्द होता है सामने वाली टीम को, क्योंकि एक तो आप मिस फील्ड करते हैं, ये तो एक फ्री का रन है. फ्री के रन देना यानी सब कुछ मुफ्त में दे दो, वन बाय वन फ्री. भाविक जी थोड़ा दिमाग चलाते हुए लेफ्टी एंड राइटी खेलते हुए दोनों हाथ से खेल सकते हैं. जी हाँ, वंस मोर रिवर्सिव, व्हाट अ ग्रेट शॉट एंड इट्स अ फोर. जी हाँ, तीन चौके लगा चुके हैं अभी तक भाविक, 12 रन बना चुके हैं. देखते क्या होता है, दोनों टीम कैपेबल है, दोनों टीम बराबरी की है, क्या होता है आज देखते हैं. आज सेमीफाइनल मुकाबला, जो जीतेगा वो डायरेक्ट मेगा फिनाले में. एक और मारने, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन, 12 रन आफ्टर द वन विकेट. आई थिंक न्यू बॉलर इज आकाश, अगर आकाश है तो हाथ ऊपर करे आकाश. ओके ने आकाश को लगाया डायरेक्ट, बॉलर है आकाश जाडेजा. डोमवेली एंड से बॉलिंग करते हुए आकाश जाडेजा, जहां लंबे रनअप के साथ ये चले आकाश. अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल और उसी के साथ एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, यानी दो रन फ्री के मिलते हुए. कौन गौरव है ने? गौरव तो ना मुफ्त के दो रन दे दिया आकाश जी आपने. ये ब्लॉक ऑल में डाली हुई बॉल हल्का सा पुश कर दिया गेंद जाती हुई मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की ओर, वहां पे फील्ड किया तब तक एक रन ले लिया भाविक ने. फील्ड पे भी काफी बदलाव देख रहे हैं आप, जो फर्स्ट इनिंग में फील्ड थी वो अभी नहीं दिख रही है भरत भाई की ओर से. और भरत भाई भी देखिए कितनी मेहनत करते हुए अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाते हुए भरत भाई. ओके अपील हुई और अच्छा सा कैच लिया अमित ने वहां पे और वापस लौटते हुए गौरव वापिस लौटते हुए अभी जाते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वेदांश. जी हाँ, पहली मैच में कुछ खास नहीं किया था वेदांश ने, अपने बल्ले से कुछ खास करतब नहीं दिखाया था. अभी आज क्या करते, सेमीफाइनल मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला, फाइनल से भी बड़ा मुकाबला है आज कच्छ वॉरियर्स के लिए सेमीफाइनल का मुकाबला. बहुत ही अच्छा कैच लिया, यश यश कॉल दिया और अमित ने एकदम अच्छा सा कैच लपक लिया. जी हाँ, हरी सिंह और अमित के बीच में गेंद आ रही थी, अमित ने कॉल दिया आई कैन कलेक्ट एंड उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया. जब जब आकाश को लगाया भरत भाई ने, उन्होंने विकेट दिलाई है, यानी विकेट टिककर बॉलर है आकाश. बहुत ही अच्छी बॉलिंग आकाश की ओर से, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे पावर प्ले में. इतनी अच्छी अगर बॉलिंग हो ना तो कहीं भी रन स्टॉप हो सकते हैं. भाविक को दिखी नहीं, भाविक को तो क्या विकेट कीपर को भी वो बॉल नहीं दिखी. पीछे से अमित ने कलेक्ट किया बॉल को. और ये एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन यानी फ्री के दो पहली बॉल पे दे दिए, पहली बॉल नहीं की उससे पहले. और ये व्हाइट में आता हुआ पंजा, 5 रन मिले व्हाइट प्लस 4, इट्स कॉल्ड बी एन एक्स्ट्रा रन.
अच्छा पीछे थोड़ी फील्डिंग टाइट करनी पड़ेगी। हरी सिंह बापू है वहां पे। हरी सिंह यू नीड टू कलेक्ट बॉल, चार रन बचाओ तो कुछ ना कुछ होगा बापू। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भाविक। दो फील्डर के बीच में से गेंद निकल गई। अगर आप वेट कर रहे कि मैं गेंद के पीछे भाग के गेंद को पकड़ूंगा तो भूल जाओ भाई, पीछे का आउटफील्ड एकदम फास्ट है। अगर 20 की भी स्पीड से पीछे जाती है ना तो भी मुश्किल है। और पीछे से हरी सिंह नाखुश जरूर, दो दो चौके छोड़ दिए उन्होंने हरी सिंह ने। यहाँ एक और वाइड, एक और एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन है ना वो आपको कहीं ना कहीं ले डूबते हैं। अतिरिक्त रन है वो आपकी हार की वजह बन जाते हैं। ना ना जरूर नहीं, सदे मुक्ति दे दे ना ना वो उनके बियों के जो बियों सदे वरी के खानी में तो कोई मगज मारी केंद्र। बहुत ही क्लासिकल शॉट, परफेक्ट शॉट, वन बाउंस फोर रन। कच्छ वॉरियर्स के खेमे में जाती हुई बॉल, वहां पे घनश्याम बाउंड्री के बाहर भी फील्डिंग करते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बहुत ही महंगे साबित होते हुए, बहुत ही महंगे साबित हुए आकाश। जी आप 7 रन तो उन्होंने वाइड के हिसाब से एक्स्ट्रा में दे दिए, 2 चौके भी पीछे गए, वो कहीं ना कहीं महंगा साबित होता हुआ। 29 रन, 29 रन बन चुके अभी तक। जी हाँ बहुत ही महंगी ओवर, एक्स्ट्रा रन बहुत है इसमें। जी हाँ कहीं ना कहीं फील्डिंग में 29 रन, दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पे 29 रन बन चुके अभी तक। आकाश की ओवर में एक्स्ट्रा रन बहुत गए, 8 रन एक्स्ट्रा गए आकाश की ओवर में। ये रिवर्सिव खेलना चाहते थे, अपील किया बट अंपायर ने नकारा, इट्स नॉट आउट, बॉल कैन नॉट कनेक्ट ऑन द बैट प्रॉपरली, सो इट्स नॉट आउट। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। नाउ हु इज अ न्यू बॉलर, आई थिंक पंकज, पंकज है तो हाथ ऊपर करे भाई बॉलर। ओके पंकज छांगा फ्रॉम द कच्छ एंड, अ न्यू बॉलर पंकज टू वेदांश। अच्छा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वेदांश, पंकज क्या करते अभी देखते हैं, क्योंकि रन बहुत बन गए, 2 ओवर में 29 रन बन चुके हैं, अभी क्या होता है देखते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला टाइम में कोऑपरेट करना है। भरत भाई जल्दी कराओ जो टाइम है, भरत भाई सर टाइम नोट कर लीजिएगा और जल्दी करवाने गए। हल्की सी एज लगी, कीपर से चुक हुई और कीपर के पीछे जो खिलाड़ी खड़े थे उनसे भी चुक हुई और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाद, 4 रन अगले। चार रनों की गति आप देख रहे हैं, गोली की रफ्तार से गेंद जाती है और गोली की रफ्तार से ही रन जाते हुए। तो परफेक्ट शॉट, क्या शॉट लगाया वेदांश ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग वेदांश की ओर से, एकदम परफेक्ट शॉट था, एकदम क्लासिकल शॉट। पहली मैच में कुछ खास कर नहीं सके थे, बहुत ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बैट पे, लेकिन अब जाके दूसरी इनिंग में उनसे कनेक्ट होते हुए बैट पे। बॉल की गति को थोड़ा सा कम कर दिया था, उसी वजह से चूक गए वेदांश, 2 चौके लगा चुके हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे फिलहाल कच्छ वॉरियर्स का खेमा भी खुश दिख रहा है, यहाँ पे बैठे सब कप्तान वाइस कप्तान लाल जी सब बैठे सब खुश दिखते हुए। इज अ वाइड, जी हाँ ये एक्स्ट्रा रन है ना आपको ले डूबेंगे, 4-11 को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रनों की
रोक लगानी पड़ेगी। ये जो व्हाइट है और मिसफील्ड जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये ले डूबेंगे भरत भाई आपको। अच्छा गेंद जाती हुई थर्ड मैन की ओर, वहां पे अमित खड़े थे, उन्होंने कलेक्ट किया बॉल को और एक रन से नहीं रख पाए। फिर से स्ट्राइक पे भाविक, भाविक ने फर्स्ट इनिंग में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। अभी देखते हैं क्या होता है, ये बहुत बड़ा मुकाबला, 4-11 जैसी टीम, एक बड़ी टीम उसके सामने क्या करते हैं। अभी स्कोर कितना था? 39 रन, 30 और 9 39, 39 रन बन चुके अभी तक। देखते क्या होता है, क्या करते हैं भाविक। टाइम में कॉपरेट करना है अंपायर, टाइम कम है अपने पास। ये उड़ाया गेंद जाती हुई तारामंडल में, तारामंडल में गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रन। बोले बोल जी हाँ, दूसरी बॉल आ चुकी है, उससे स्टार्ट द मैच। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देख रहे हैं आप, 45 रन 45 रन बन चुके हैं। एक और लंबा स्विट और एक और सिक्स, दो बॉल में दो छक्के लगाते हुए भाविक। जी हाँ, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भाविक। जी हाँ, दो बॉल में दो सिक्स लगा चुके अभी तक पंकज की ओर से। जी हाँ, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं दी, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है लेकिन इतनी खास बॉलिंग नहीं दिख रही आज पंकज की ओर से। जी हाँ, स्पेशल कच्छ से आए वो, लेकिन क्या करते देखते। अंपायर बॉल, ओवर ओवर, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन, तीन ओवर 51 रन, 51 रन, 50 रन पूरे हो चुके। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक कच्छ वॉरियर्स की ओर से। जी हाँ, ये कच्छ वॉरियर्स अलग ही एक कच्छ वॉरियर्स दिख रही है, जो हर बार खेलती है वो कच्छ वॉरियर्स नहीं है ये। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बदलाव, पहले तो कप्तान बदल गए उनके, कच्छ वॉरियर्स के कप्तान भी बदल गए। पहले जो कप्तान थे वो उसको हटा दिया गया, अभी नए कप्तान दिलीप आ चुके हैं। यहाँ पे कच्छ वॉरियर्स का खेमा बोला है कि वो कप्तान पनौती कप्तान थे, नाम तो नहीं ले सकता मैं माइक में, बट जो है वो समझ गए खुद ब खुद। तीन ओवर 51 रन, अभी भरत भाई का हुक्म का इक्का जिसको बोलते हैं वो है अमित। जी हाँ, लास्ट मैच में उन्होंने जो किया था वो कमाल किया था अमित ने। फिर से गेंद सौंपी अमित को, अमित वाघेला। अमित वाघेला देखते हैं अभी क्या करते हैं, भरत भाई का एक्सपीरियंस क्या करता है, अमित वाघेला की बॉल क्या करती है देखते हैं अभी। वेदांश के लिए बॉलिंग करेंगे अमित वाघेला। जी हाँ, अमित वेदांश ने उठा के मारा है, उसके पीछे फील्डर है, देखते क्या होता है। लेकिन ये तो गैप में जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी वेदांश। पहली मैच में उन्होंने कुछ इतना खास नहीं किया था, 6-7 बॉल खेली थी लेकिन इतना कनेक्ट नहीं हुआ था उनके बल्ले से। फिलहाल बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए वेदांश और भाविक। भाविक जी हाँ, जिन्होंने ओपनिंग से ही जिम्मेदारी संभाल रखी है, स्कोर बहुत ही बड़ा बन चुका है, 4th ओवर प्रगति भी है। कच्छ वॉरियर्स का खेमा बहुत ही खुश कच्छ वॉरियर्स का खेमा। जी हाँ, एक और क्लासिकल शॉट, ये हल्की सी मिसफील्ड, ये ऐसी फील्डिंग के लिए फील्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वहां पे आउटफील्ड इतनी तेज, अगर टप्पा भी फिरता है ना एकदम 8-10 फुट का बंदा भी देवे ना वो भी नहीं पकड़ सकता है। दो बॉल में कंटिन्यूस 2 चौके मारे। जी हाँ, कहीं ना कहीं फील्ड में तब्दीली जरूरी, क्योंकि रन स्टॉप करने के लिए कहीं ना कहीं फील्ड में तब्दीली लाना जरूरी है।
59 रन बन चुके अभी तक चौथा ओवर प्रगति पर. ओ व्हाट अ ग्रेट शॉट, क्लासिकल शॉट फ्रॉम द वेदांश. व्हाट अ ग्रेट शॉट, क्या बल्लेबाजी कर रहे वेदांश, एकदम क्लासिकल शॉट था. अभी इसको चिकी चिकी तो नहीं बोल सकते, चिकी चिकी शॉट नहीं था ये. अभी इसके लिए नया नाम कुछ निकलना पड़ेगा. तीन पॉइंट तीन ओवर के बाद स्कोर जा कुछ 63. ओ एक और क्लासिकल शॉट, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे, क्लासिकल बल्लेबाजी वेदांश की ओर से, एकदम क्लासिकल शॉट, एकदम क्लासिकल बल्लेबाजी, क्या क्लास दिखा रहे वेदांश. चार बॉल में उन्होंने चार चौवे जड़े, चार चौके जड़ दिए. ग्रेट बैटिंग, ग्रेट बैटिंग डूड. जैसे गौतम गंभीर चौके मारते ऑफ साइड में और सौरव गांगुली जैसे चौके मारते थे, वैसे आज वेदांत चौके मारे, चार बॉल में उन्होंने चार चौके मारे. कहीं ना कहीं फील्ड में तब्दीली जरूरी. ओ एक और चौका, एक और चौका, पांच बॉल में पांच चौके वेदांश. क्या वेदांश, क्या बल्लेबाजी कर रहे है वेदांश की ओर से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी. जी हाँ, यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है ना, जी ऑडियंस बैठी है, ये भी बोलती है तो कच्छ वॉरियर्स ऐसी टीम पहले तो नहीं थी, ऐसी टीम है तो ये कच्छ वॉरियर्स एक अच्छी सी टीम कहलाएगी. जी हाँ, लास्ट छह बॉलों में उन्होंने 21 रन लिए, 21 रन इन द लास्ट सिक्स बॉल. जा जा जा, चार ओवर 73 रन. मेरे को 73 सुनाई दे, 72 रन, चार ओवर 72 रन, 18 का रन एट 18 रन पर ओवर. जी हाँ, आप बॉलिंग के लिए कौन आए, भरत भाई मिस्त्री. जी हाँ, जब उन्होंने देखा हुक्म के इक्के नहीं चल रहे तो यहां पे आके मैं बॉलिंग करता हूं. अब वेदांश को बॉलिंग करेंगे एक एक्सपीरियंस मैन. जी हाँ, एक एक्सपीरियंस बॉलर जिनको क्रिकेट में बहुत ही एक्सपीरियंस है. वेदांश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चार ओवर की समाप्ति का स्कोर है 72 रन, 1800 पर ओवर रन रेट चल रहा है अभी तक. बहुत ही, जी हाँ, ये देखिए पांच चौके लग रहे थे, उससे तो अच्छा एक सिंगल आया. यही यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए भरत भाई की, कम से कम रन में रोके वो. जी हाँ, यहाँ पे भरत भाई के फैन देखिए, फर्स्ट प्लेयर से भरत भाई को चीयर अप करते हुए वहां पे. जी हाँ, भरत भाई के इतने फैंस है, पूरा कच्छ वागड़, पूरा कच्छ वागड़ क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी एंड पूरे जितने भी यहाँ पे क्राउड है वो सब भरत भाई को चीयर अप करते हुए. भरत भाई का मीडियम रनर है, उतना खास नहीं है. बॉलिंग करेंगे भाविक को, यहां पे देखते हैं कितना काम आता है आज भरत भाई का एक्सपीरियंस. यकीनन वो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, देखते क्या करते आज. ओ ये चिकी चिकी, भरत भाई की ओर से चिकी चिकी बॉलिंग. वहां पे उनके बेटे बैठे हुए रोहित, वो भी चेयर अप करते हुए कमोन पापा कमोन बोलते हुए. रोहित भी कमोन पापा कमोन बोलते हुए, रोहित उनके जो यंग क्रिकेटर है वो भी आज उनको थोड़ा पैर में लगा, इसके लिए 40 रन में जगह नहीं बना चुक सके. ये थोड़ा दिशा से भटके ये टाइम भरत भाई, लेकिन बहुत ही अच्छी महाराज. जी हाँ, अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी देख रहे कच्छ वॉरियर्स की ओर से अपन, लेकिन अभी आगे क्या होता है देखते हैं. भाविक कुछ खास कर सकते. ओ गेली गेली बाबा बाहर गेली, है बोल हे बॉल गेली बाहर गेली आणि परत पण आणली, जालीला लागली आणि परत आली बॉल. जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही अभी देखते क्या होता है. भरत भाई आपका एक्सपीरियंस लगाओ, जोर लगाओ भरत भाई, चिकी चिकी बॉलिंग करो.
ओ झिकी झिकी बॉलिंग, यकीनन यकीनन झिकी झिकी बॉलिंग, यकीनन क्लीन बॉल कर दिया है। वाह भरत भाई वाह, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, ये होता है एक्सपीरियंस, ये होती है एक्सपीरियंस। और उनका चीयर अप देख रहे हैं आप उनका चीयर अप देखिए, भरत भाई ने क्लीन बॉल कर दिया है। भाविक जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको क्लीन बॉल करना मतलब झिकी झिकी बॉलिंग करना, झिकी झिकी बॉलिंग। वाह भरत भाई वाह, वेल डन, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग भरत भाई। भाविक ने 39 रन बनाए, उनकी सराहना करते उनके टीम के, लेकिन छिकी छिकी बॉलिंग के सामने उनको कुछ न चला, छिकी छिकी बॉलिंग ने उनको क्लीन बॉल्ड कर दिया। अभी बैटिंग में अल्पेश, अल्पेश के सामने है छिकी छिकी बॉलर भरत भाई। छिया हरि सिंह के नीचे क्या होता है देखते, ये चार रन अगले, ये नो बॉल थी, ये नो बॉल थी यकीनन, ये भी पंचा मिला है और ये तो फ्री हिट है, यानी एक तो मुफ्त के रन मिले, उसके बाद मलाई मलाई और मुफ्त के रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है कच्छ वॉरियर्स की ओर से। जी हाँ, कच्छ वॉरियर्स की जितनी सराहना करते, लेकिन वो क्या, उन्होंने वासी में भी 103 रन बनाए थे, उसके बाद भी बहुत जूझ रही थी 103 रन का टारगेट डिफेट करने में, कुछ नहीं बोल सकते क्रिकेट है। ओहो ये एक्सपीरियंस देखिए, ये है भरत भाई का एक्सपीरियंस, ठीक है मिस हो गया, नो बॉल डाल दिया, लेकिन फ्री बैट को टच भी करने नहीं दिया। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज कच्छ वॉरियर्स, उसके हिसाब से भी बॉलिंग होती हुई भरत भाई की ओर से। अरे कैच मिस हो चुका है वहां पे, मिस कैचेस इन मैचेस, बट भरत भाई की ओर से जो बॉलिंग हो रही है वो उनके स्टार बॉलर भी नहीं कर रहे हैं। कौन बोलो टक्को बोले हारी गए, कच्छ वॉरियर्स बैटिंग करे जो तो नहीं माने, आ जाओ जाओ कमेंट्री करूं वाले बोले कमेंट्री करू रो, हु इज द न्यू बॉलर, बॉलर बॉलर नेम, बॉलर नेम प्लीज। हरी आई रे तो अपना हाथ ऊंचे करे हरी, ओके जी हां हरी आई रे, अभी जी हां जहां पे मैन रेगुलर बॉलर नहीं चले वहां पे भरत भाई ने आके एक विकेट निकाली, दूसरा विकेट ड्रॉप हो चुका है, 86 रन बन चुके, 86 रन 5 ओवर के बाद, दो विकेट के नुकसान पे 86 रन। ओह क्या बॉलिंग, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्लीन बॉल कर दिया है हरि ने, अल्पेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। कौन जाए बैटिंग में, अपना अल्पेश आउट, अल्पेश अभी कौन जाए, जी अभी अभी नाकरानी जाते हुए, अभी नाकरानी बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वेदांश ने एक छोर संभाला है, वो भी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ खाना खाने में जो बाकी है भाई, खाना खाने में जो भी बाकी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो भी सामने बैठे, जो भी खाना खाने में बाकी है वो आ जाए, राजगोश टास्क के भी जो भी बाकी है खाना खाने में वो भी आ जाए, ठाकुर 11 रामदेव 11 जिनका भी खाना खाने का बाकी है वो खा ले भाई। यहाँ पे सभी जितने भी मेहमान आए हैं, प्लेयर्स आए हैं, साथी आए हैं, भाई आए, जो भी आए हैं खाना खा ले प्लीज। ओह क्या शॉट मारा है, क्या शॉट मारा है, क्या शॉट मारा है, क्लासिकल शॉट, गेंद जाती हुई, जी हाँ बॉल गई तो डायरेक्ट झाली के बाहर गई और दरिया के किनारे पे गई बॉल। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है आज कच्छ वॉरियर्स की ओर से। जी हाँ जितनी तेज गेंद कर रहे उतनी तेज जा रही है झाली के बाहर।
जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग और एक बहुत बड़ा विकेट जो क्लासिकल बैटिंग कर रहे थे वेदांश वो वापस जाते हुए। कितना हुआ? 93 रन बन चुके अभी तक। छठा ओवर ऑन बोर्ड है, छठा ओवर चालू है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आज वेदांश ने। जी हाँ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, उनको सहारा जा रहा है। अभी बैटिंग करने के लिए गए रमेश। खाई ली तो जी हाँ एक मुफ्त का विकेट मिल गया, रनआउट यानी मुफ्त का विकेट। जैसे व्हाइट मुझे मुफ्त का रन, वैसे रनआउट मतलब मुफ्त का विकेट। क्या बॉलिंग कर रहे हैं हरी, क्या परफेक्ट बॉलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रन स्टॉप हो चुके भरत भाई के आने के बाद। भरत भाई ने जब से बॉलिंग का जिम्मा संभाला था ना, तब से कहीं ना कहीं स्टॉप हो चुका था रन। भाविक का भी विकेट निकाला और एक कैच भी मिस हुआ। जी हाँ यहाँ पे उनके फैंस बोले सीखना है तो भरत भाई से सीखो। ओ हो, एक और गगनचुंबी, एक और गगनचुंबी शॉट। गेंद जाली के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है फिलहाल कच्छ वॉरियर्स की ओर से। 99 जी हाँ 100 में एक रन कम है, यानी 99 रन बन चुके अभी तक। 99 रन थी गया छे, 99 बे नगड़ा बे नवड़ा 99 रन थी गया छे। ओ आ सिंगल साथे कच्छ वॉरियर्स ना 100 रन पूरा थी गया छे। बीजो लेसे तो 101 रन, 100 रन थी गया छे कच्छ वॉरियर्स ना 100 रन। हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट 100 रन, 100 रन, 6 ओवर 100 रन, 6 ओवर के बाद स्कोर है 100 रन। आई थिंक नए बॉलर आ चुके फिर से। आई थिंक अमित, अमित है तो अपना हाथ ऊपर करे। ओके जी हाँ अमित, बैट्समैन कौन से भाई? अमित टू रमेश एंड इट्स आउट। विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की, आउट हो गया वही तो बोला ना। रमेश वापिस आते हुए अभी बैटिंग करने जा रहे हिरन रंगानी। जी हाँ बहुत ही अच्छे प्लेयर है हिरन रंगानी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया था इम्तियाज का, प्रो एनर्जी के इम्तियाज का बहुत ही अच्छा कैच लिया था, उधर से पूरा मैच का रुख बदल गया था और वही टर्निंग पॉइंट हो चुका था। उसी कैच की बदौलत कच्छ वॉरियर्स यहां पे खेल रही थी, वरना इम्तियाज तो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे मानो 3-4 ओवर में ही वो मैच खत्म कर देंगे। अभी बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं हिरेन रंगानी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है हिरेन, लेफ्ट हैंडेड बैट, बॉलिंग भी उतनी अच्छी करते हैं। जी हमारे साथ डी मॉल के ओनर लाल जी, लाल बादशाह आ चुके, उनका हार्दिक स्वागत। अमित वाघेला बॉलिंग करेंगे हिरेन रंगानी को। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बना के रखी है कच्छ वॉरियर्स ने अभी तक। जी हाँ ये वाइड प्लस एक एक्स्ट्रा यानी मुफ्त के रन है, जितना लूटो मुफ्त के रन लूटो और यही आपको ले डूबेंगे, आपको यही एक्स्ट्रा रन ले डूबेंगे। ये तो हरीशी ने बॉल पकड़ लिया, अगर हरीशी ये भी छोड़ देते ना तो डायरेक्ट जाके सीमा रेखा के बाहर जाती थी ये गेंद। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा देखते हुए चिराग की ओर से, चिराग बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते है। जी हाँ
कच्छ वॉरियर्स के खेमे की ओर से बहुत ही सलाह सूचन हो रहा है फिलहाल प्लेयर को, लेकिन देखते अमित क्या करते हैं। अभी अभी जी हाँ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, एक क्लासिकल सिक्स मारा था उन्होंने थोड़ी टाइम पहले ही। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ 41 की ओर से, क्योंकि दो ही रन आए हैं, ओनली टू रन, फिलहाल दो रन आ चुके ये ओवर से, बहुत ही अच्छा ओवर। पानी भला के सोल, पानी तो पी रहे बंदा। जी हाँ, अमित हिरेन बहुत ही अच्छी फील्डिंग हरी सिंह की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हरी सिंह बापू की। जी हाँ, उनका गुस्सा देखिए, आंखें लाल, चेहरा भी लाल उनका, अगर आगे निकल जाते थे ना तो मिडिल स्टंप तोड़ देते थे, उतना घर्रारा थ्रो मारने वाले थे वो। फिलहाल तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए अमित, एकदम ब्लॉक हॉल में डालते हुए बॉल, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाए फिर भी। बहुत ही अच्छी रनिंग करते हुए, यहां पे एक रन था उसको दो रन में तब्दील कर दिया, स्कोर जा पहुंचा है 105 रन बना रही है कच्छ वॉरियर्स। जी हाँ, उनका अभी ये हाईएस्ट है क्योंकि उनकी टीम ने ये आंकड़ा कभी टच नहीं किया है। वहां पे जेकी चैलेंजर के जेकी महाराज और विशु आते हुए, नए बॉलर हरी है तो हाथ ऊपर करे, ओके डांगर हरी आइट बॉलिंग करेंगे अभी नाखरानी को। बहुत ही अच्छी बैटिंग का नजारा देखते हुए आप कच्छ वॉरियर्स, जी हाँ इतनी अच्छी बैटिंग कर रही है ओ, क्या शॉट मारा है, क्या शॉट, क्लासिकल शॉट मारा है भाई, आउट ऑफ द जाली, आउट ऑफ द तारामंडल, छह रनों के लिए। ऐसे फुल टॉस बॉल दोगे ना भाई तो छह की छह बॉल बाहर जाने वाली है। हरी भाई बॉल आ चुकी है, ये जरूर हवा में है गेंद, देखते क्या होता है, कैच लपकेंगे या नहीं, लेकिन एक टप्पा तो आउट नहीं है अपने यहां। ये इनिंग के आखिरी चार बॉल बचे, दो बॉल में आठ रन आ चुके अभी तक, 113 ना, 113 हुआ है ना, यस नो, यस नो में विकेट गवा चुके हैं हिरन अंगाने। अभी बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं हिरजी, हरजी पांच पाया जो वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। बोल ले तो लालू, स्ट्राइक पे है अभी नकरानी और नॉन स्ट्राइक पे हरजी पांच पाया, ओके व्हाट अ ग्रेट कैच, हरी सिंह ने जो कैच लिया है ना, बहुत ही अच्छा कैच लिया हरी सिंह। हरी सिंह बाबू, हमको आपसे यही उम्मीद है, आपका यही परफॉर्मेंस देखने के लिए हम आए हैं। यहां पे देखिए चेयर अप होता हुआ हरी सिंह के लिए, फर्स्ट फ्लोर पूरा चेयर अप कर रहा है हरी सिंह बापू के लिए। अभी बैटिंग करने के लिए जा रहे नए कप्तान जो बहुत ही लक्की कप्तान माने जाते हैं कच्छ वॉरियर्स के लिए, कच्छ वॉरियर्स के लक्की कप्तान दिलीप रावरिया फिलहाल बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते वापिस आते हुए अवि नाखरानी, जो अवि ने बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाए, दो तीन दो मारे लेकिन जाली के मार मारे, कहीं ना कहीं थोड़ी वापसी होती हुई 411 के द्वारा, तीन चार विकेट के पतन के बाद
स्कोर जहां पहुंचा 114 रन 114। जी हां, दिलीप ने यह शॉट लगाया है, दूसरे रन के लिए भागेंगे, क्या होता है देखते हैं। उनका रनिंग बहुत ही भागते हैं ना तो हिंदी की तरह तेज भागते हैं। स्कोर जहां पहुंचा है 116 रन, 116 रन हो चुके हैं, 117 रन जीतने के लिए, 411 को 117 रन जीतने के लिए चाहिए। कच्छ वॉरियर्स आपको जल्दी फील्ड से जाना है, कच्छ वॉरियर्स नहीं अपना था ना, अपन 127 मारे थे ना पहली मैच में वो टाइम। ये ग्राउंड पे रिकॉर्ड 8 ओवर में 136 रन का जो स्टार स्कोर ने बनाया था गई सीजन की फर्स्ट मैच में, और ये सेकंड हाईएस्ट 100। जल्द से जल्द फील्ड सजानी है कच्छ वॉरियर्स आपको, और बल्लेबाज जल्दी से जल्दी भेजिए 411 117 रन, 117 रन का बहुत ही बड़ा टारगेट खड़ा किया। लेकिन कच्छ वॉरियर्स भी बहुत ही बड़ी टीम है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है कच्छ वॉरियर्स के पास, कच्छ वॉरियर्स की तरह उनके पास भी बहुत ही बड़ी बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग के लिए जा रहे विशाल और पंकज, पंकज ये तो बल्ला ऊपर करे। ओके पंकज और विशाल उडियान, जी हाँ रामदेव इलेवन के कप्तान, रामदेव इलेवन स्ट्राइक पे पंकज छांगा और नॉन स्ट्राइक पे विशाल उडियान, और बॉलिंग बॉलिंग का जिम्मा संभाला वेदांत ने, जी अच्छी बल्लेबाजी की थी अभी, वो बॉलिंग पे करेंगे नॉन स्ट्राइक पे विशाल उडियान। पहली मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी विशाल ने, अभी पंकज जो आए हैं कच्छ से आए हैं बहुत ही बड़े बड़े हिट के लिए जाने वाले। ओ बहुत ही अच्छी बॉलिंग और क्लीन बॉल कर दिया पहली बॉल पे, नाखुश जरूर पंकज, अभी बैटिंग के लिए जा रहे हरी, आई थिंक हरी है तो बल्ला ऊपर करे। ओके अच्छा कच्छ वॉरियर्स की स्टार्ट देखिए आप, पहली बॉल पे क्लीन बॉल कर दिया है, कच्छ वॉरियर्स जी हाँ बहुत ही बड़ा स्कोर है 117 रन, लेकिन उतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है 411 के पास, बहुत ही बड़ी बैटिंग लाइनअप है। हरी है विशाल उदयन, राजेश कठवी, अमित जैसे बल्लेबाज है, बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाज, बहुत ही बड़े बड़े नाम, और उतना ही बड़ा स्कोर 117 रन। जी हाँ बहुत ही बड़े बड़े नाम 411 में, हाँ देखिए पीछे अगर गेंद जाती है तो मैंने पहले भी बोला था पीछे कोई भी दौड़े, लेकिन गेंद तो सीधी 4 रनों के लिए जाती, विकेट कीपर से चूक हुई, अभी से अभी चूके डाइव जरूर लगाई थी, हवा में गेंद थी लेकिन गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाद 4 रनों के लिए। अगर आप ऐसे कैच ले लेते ना अभी तो कहीं ना कहीं पूरा मैच ले लेते, ये कैच नहीं था पूरा मैच था। अगर हरी एक बार सिक्स मारना चालू करे ना तो बॉल डायरेक्ट ना दरिया में जाएगा, क्योंकि ओवल जैसा लंबा ग्राउंड वो भी पूरा स्टेट में बाहर बॉल को फेंकते तो ये तो भालेर का बीएम के ग्राउंड है, डायरेक्ट दरिया में बॉल जाएगी। फिर से वेदांश, वेदांश टू हरि आहिर, क्या क्लासिकल शॉट मारा है, एकदम परफेक्ट शॉट था, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद मिड ऑफ के ऊपर, एक ही रन लिया, अभी स्ट्राइक पे है चुकी चुकी शॉट मारने वाले विशाल उडियान।
वेदांश बॉल करेंगे विशाल को, दोनों का राशि एक है, वी वी वेदांश एंड विशाल। अच्छा देखिए बहुत ही अच्छी बॉलिंग और ये क्या थ्रो मारा था, हिरेन का थ्रो यानी बंदूक से निकली हुई गोली, परफेक्ट थ्रो था लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। ગુજરાતી વાજે કમ આવે એમની મા મો ચાર્જિંગ પૂરી કરે તો છોરા કેટલી છે 100% હું મે એટલી છે બોય સેમ ફોન સેમ ચાર્જિંગ ખણી તો ચા એ પાવર બેંક દે ને કે ગયો છે આ યે વ્હાઇટ બોલ एकदम मैच रुक सा गया है, एकदम मैच रुक सा गया है। आप देख सकते 117 रन का पीछा करती हुई 41 क्या करती है राजकोर स्टार के कप्तान और रामदेव इलेवन के कप्तान दोनों आ जाए टॉस के लिए और इलेवन भी देख ले जो जो है प्लेइंग इलेवन। और एकदम चिकी चिकी शॉट लेकिन क्या फील्डिंग क्या है, फील्डिंग भी किसने की, घनश्याम ने, घनश्याम की वजह से अच्छी फील्डिंग, अगर ये घनश्याम पकड़ते नहीं थे ना तो चार रन जाता था चार। जी हाँ बल्ला जरूर बदलाना चाहेंगे विशाल, अभी बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं चिकी चिकी भाविक। ओ ये जिकी जिकी बॉलिंग और एकदम गेंद हवा में उसके नीचे फील्डर आते हुए और ये अच्छा सा कैच कर लिया, एकदम अच्छा कैच किया। जी हाँ दो विकेट चले गए, दो बड़े नाम, दो बड़े खिलाड़ी बाहर जाते हुए, पहले पंकज और अभी हरि आहिर। अभी नेक्स्ट कौन आता है, राजेश कठुई आएंगे आई थिंक, लेकिन भेजा तो भरत भाई ने किस पे ड्रेस किया है, हरि सिंह बापू। भाई भाई उनके बहुत सारे फैंस चीयर अप करते हैं, हरि सिंह बापू क्या करते, 117 रन है आई थिंक उसमें से 80-70 रन कम से कम हरि सिंह बापू बनाएंगे ऐसी सबको आशा है, क्या करते हैं आज हरि सिंह बापू देखते हैं। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल आप देखने जा रहे हैं राजगढ़ स्टार वर्सेस रामदेव इलेवन। जी हाँ राजगढ़ स्टार पूरी टीम आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, ऑल्सो रामदेव इलेवन आपकी पूरी टीम को भी कमेंट्री बॉक्स में आना है, राजगढ़ स्टार्स एंड रामदेव। जी हाँ राजगढ़ स्टार्स ऑल फ्लेयर कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स, यू आर ऑल्सो रामदेव इलेवन। अंपायर टाइम में कॉपरेट करे, टाइम नोट करे, अगर आगे पीछे होता है तो पेनल्टी डायरेक्ट स्ट्रिक्टली। जी हाँ अभी बॉलिंग के लिए आए हैं भाविक भगत, चीकी चीकी बॉलिंग करते चीकी चीकी, लेकिन उससे भी अच्छे बल्लेबाज चीकी चीकी शॉट मारने वाले विशाल उड़ियान। जी हाँ बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हैं विशाल। जी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मुकाबला फोर्ट वर्सेस कच्छ वॉरियर्स, बहुत ही चीकी चीकी बॉलिंग, विशाल को डॉट किया, सामने से हरी सी कुछ बोल रहे हैं लेकिन अभी जब उनका टर्म्स आएगा तभी क्या करते हैं वो देखते हैं, उनका टाइम आएगा तभी क्या करते देखते हैं। चिकी चिकी शॉट, चिकी चिकी फोर नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जी हाँ गौरव थे वहां पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, सबको लग रहा था बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, द
तब तक दो रन छोड़ा लिए। शॉट थोड़ा ताकत वाला होना चाहिए था, तभी चार रन जाते थे। छिया ये उड़ा दिया है, गेंद के पीछे लालो लालो लालो, लेकिन जब तक लालू पहुंचते तब तक गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर चार रनों के लिए। छिया लालू एक अच्छे फील्डर है, उनका जर्सी नंबर भी 03 है। स्ट्राइक पे है विशाल, विशाल उड़िया अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। हरी सिंह नॉन स्ट्राइक पे, कच्छ वॉरियर्स आपको टाइम में कॉपरेट करना है। कच्छ वॉरियर्स, कच्छ वॉरियर्स के कप्तान ध्यान दे, टाइम में कॉपरेट करना है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, स्कोर कितना हुआ? दो ओवर, दो ओवर के बाद 16 रन स्कोर। जी हाँ, बहुत ही कम स्कोर बनाए। अभी 6 ओवर में 101 रन चाहिए। वेदांश अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपनी टीम का तीसरा ओवर लेके हुए। जी हाँ, 36 बॉल में 100 रन चाहिए, 101 रन बनाने ओवर। ओ हो, ये देखे क्या शॉट लगाया है और क्या फील्डिंग की है। ये चौका था यकीनन, चार रनों के लिए गेंद जाती हुई हरी सिंह की बल्ले से निकलता हुआ, धक धक्का ये चौका। फोर अंपायर, इट इज 4 ना? ओके दो रन तो 5 मारू मैं तो जो को कम होते जो को है हूं करेला तो तू तो कैसे को है तो आम आमू करे रो आम आम कर दो। 18 रन बन चुके अभी तक, 2.13 बॉल 18 रन बन चुके। जिया बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 41। जिया हरीसी को अभी बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, काले रंग का बल्ला लेके जाते हुए, लेकिन बॉल को काला करके छोड़ना है हरी सिंह। ओ हो, ये क्या कर रहे हैं हरी सिंह आप? हरी सिंह आपको बॉल भेज दिया गार्डन में सामने, हमने 3-4 बॉक्स एक्स्ट्रा मंगाए थे क्योंकि हरी सिंह बॉल 2-3 घुमा देंगे हमको यकीन था, लेकिन क्या कर रहे हैं ऐसी बल्लेबाजी, आपको कहीं ना कहीं लेट उगेगी हरी सिंह। आपको एकदम छक्के लगाने हैं, अल्टरनेट बॉल यू नीड टू हिट 6। ओ सुन ली बाबा, सुन ली हमारी बात भी, सुन ली हरी सिंह ने, एकदम क्लासिकल 6 मारा हरी सिंह ने। बहुत ही अच्छी बैटिंग, ऐसी ही बैटिंग करोगे हरी सिंह तो ये आपकी नैया पार होगी। जी हाँ, दूसरे सेमीफाइनल का रामदेव ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का डिसीजन। जी हाँ, दूसरा सेमीफाइनल आप देखोगे, रामदेव 11 वर्सेस राजकोट स्टार मुंबई, दूसरा एकदम हेवी मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। ये इनिंग के बाद ये एक तरफा सा मुकाबला हो गया, एकदम बड़े स्कोर का पीछा करती हुई 41। जी हाँ, कहीं ना कहीं दबसी गई है, अभी उनको निकाल सकते तो दो ही शख्सियत है, एक है हरी सिंह और दूसरा राजेश कडवी। क्या करते हैं लोकल प्लेयर देखते हैं आज। हरी सिंह बापू को गेंद दिखाई नहीं दे रही है, वेदांश बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फिलहाल कच्छ वॉरियर्स की ओर से। अंपायर एक बॉल बाकी, अंपायर कितना बॉल हुआ? एक बॉल बाकी है, 3 ओवर 3। जी हाँ, चौथे ओवर लेके आ रहे भाविक भगत, भाविक भगत और वेदांश ने पूरे जिम्मेदारी ले रखी है कच्छ वॉरियर्स की। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे भाविक भगत फिर से चिकी चिकी बॉलर, भाविक भगत और चिकी चिकी बैट्समैन विशाल उड़ियान, चिकी चिकी करके आपको निकालना है आपकी टीम को इतनी मुश्किलों में जो फंसी हुई है विशाल।
आपको आपकी टीम को निकालने का है, छिकी छिकी बैटिंग करो या लंबे हिट लगाओ, आपको 117 रन चेस करने हैं, यानी आपको लंबी लंबी हिट लगानी है। जी हाँ, जो भी खाना जिनका खाने का बाकी है ना, वो प्लीज लंच अवेलेबल कर ले प्लीज, जिनका जिनका खाना बाकी है ना। और ये हरीशी का एकदम लंबा शॉट क्या होता है देखते, एक वन बॉल्स फोर। हरीशी आपको ऐसी बल्लेबाजी करनी है, हरीशी अगर आपको मैच जीतना है, आपकी टीम को निंग्या पार करना है ना, तो ऐसे स्ट्रोक आना जरूरी है। आपकी टीम की कामयाबी आप पे निर्भर है, क्योंकि एक शॉट आपको संभाले रखना है। एक अच्छा चौका मारने के बाद हरीशी, ये जी हाँ, नेक्स्ट टर्म से बाहर, वाइड बॉल। ये हरीशी आपको ऐसे भी वाइड मिलते रहेंगे, आपको 10 रन कमी बनाने अगर आप बैट से कनेक्ट करके खेलते हैं। ओ हरीशी ने उड़ाया गेंद, जाती हुई सीमा रेखा बाहर, जाली के बाहर और डायरेक्ट होली में 6 रन। हरीशी बापू क्या बैटिंग, ऐसी बल्लेबाजी जरूरी है। हरीशी बापू, हरीशी बापू यहां पे आपके लिए एक और ऐलान, अगर हैट्रिक सिक मारते हैं तो अशरफ भाई की ओर से 501, और नूर भाई की ओर से चिक्की का पैकेट। जी हाँ, स्पेशल खंडाला की चिक्की। हरीशी बापू आपके लिए देखिए ऑफर आ रही है, बॉल भी आ गया। ओके साजिद, बॉल करनी साजिद। जी हाँ, हरीशी बापू की ओर से बहुत ही अच्छी बैटिंग, ऐसी बैटिंग आपको एकदम किनारे पे लाएगी हरीशी। ओह दिलीप का थोड़ा सा ऊंचा थ्रो था, अगर परफेक्ट थ्रो रहता था, नीचे देते थे तो परफेक्ट स्टंप में लगता था और रनआउट का चांस हो सकता था, लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा तेज दौड़ते विशाल उड़ान। जी हाँ, स्टंप के पीछे देखिए खड़े हैं चार प्लेयर, अवि नाकरानी, लालजी नोर, घनश्याम वाविया और दिलीप रावड़िया, जो स्टंप के पीछे बैक साइड कवर करते हुए। जी हाँ, मिस फील्डिंग करते हुए वहां पे दिलीप रावड़िया कप्तान है। जी हाँ, ये तो आपका इतना स्कोर बन गया, इसके लिए आप इतनी मिसफील्डिंग कर रहे हो, वरना कहीं ना कहीं ये मिसफील्डिंग आपको ले डूबती थी। स्कोर थर्टी नाइन रन, चार ओवर 39 रन। चौबीस बॉल 78 रन, चार ओवर में 78 रन बनाने। हिरन रंगानी है न्यू बॉलर, बहुत ही अच्छे बॉलर है, और सामने भी बल्लेबाज है, तो कौन है आप देखिए, बल्लेबाज है सामने हरीशी बाबू, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है हरीशी बाबू। आपने देखा यहां पे दो चौके मार चुके हरीशी बाबू, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। अभी क्या करते हैं हरीशी बापू, 23 बॉल में 78 रन चाहिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हिरन अंगानी की। जी हाँ, हरीशी बापू जज कर रहे हैं, गोली की रफ्तार से बॉल आ रही है, लेकिन हरीशी भी कैपेबल है बॉल को जज करके, गोली से जैसे बॉल निकलती है वैसे AK-56 से जैसे बॉल निकलती है वैसे जाली के बाहर भेजने में सक्षम है हरीशी बापू। जी हाँ, एकदम क्लासिकल शॉट मारा है, उसके पीछे फील्डर भागते हुए, लेकिन गेंद कहां पे गई, गेंद गई 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। बस बापू आपको ऐसे कनेक्ट करना है बॉल को बैट से कनेक्ट करके बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है, चौका मारो या छक्का मारो, बस रन बनाओ। यहां पे आज किसी को नहीं पड़ा इंडिया की मैच का क्या हुआ, यहां पे
स्टार कप का सबको इंतजार है, क्या हो रहा है वहां पे? जी हाँ, वहां पे आप देख रहे हैं इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चालू है, वहां पे 70 बॉल में 74 रन चाहिए। यहाँ पे सिचुएशन दूसरा है, यहाँ पे 20 से 22 बॉल बचे हैं और रन चाहिए 70 प्लस। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग हीरे नंगानी की। हरीशी बापू कनेक्ट नहीं कर पाए बैट से, एक चौका मारा है। जी हाँ, जी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल, राजू स्टार मुंबई वर्सेस रामदेव इलेवन थाने। भाई अभी लंच टाइम खत्म हो चुका है। जी हाँ, अभी लंच खत्म हो चुका है, अगर फिर भी कोई बाकी है तो आ जाए भाई लंच करने में। जी हाँ, नए बॉलर आई थिंक अल्पेश, अल्पेश है तो हाथ ऊपर करे। अल्पेश, अल्पेश नहीं है क्या? कौन है? ओके, रमेश, रमेश है ना? ओके, रमेश और सुरेश की जोड़ी जो आप फाइव स्टार रेट में देखते हैं। जी हाँ, विशाल एक छोर संभाले हुए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कच्छ वॉरियर्स ने की थी। उसके बाद आप देख रहे कच्छ वॉरियर्स की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हो रही, यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कच्छ वॉरियर्स की ओर से। हाँ, तो अबे पूरु पूरु थी क्यों है तो इन्हें बोल बका। ए संभू भाई, उनको रुकाओ ना, थोड़ा रुका दो, रुका दो, उसको बोल दो संभू भाई 10 से 15 3 बजे बाद में बंद कर देना। 6 ओवर की समाप्ति, 6th ओवर प्रगति पे, सॉरी माफ कीजिएगा। रमेश, रमेश टू हरीसिंह। जी आप देख रहे हैं हरीसिंह कब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके बैट से कनेक्ट नहीं होती। हरीसिंह यहाँ पे अलग अलग सब गणित बताते हुए, लेकिन फिलहाल तो अच्छी बल्लेबाजी करती हुई पहुंच नहीं पाए। अभी एक साइड मैच हो चुका है, अभी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं राजेश कटवी। जी हाँ, देखिए उनका जाने का स्टेंस, देखिए उनकी जाने की स्टाइल, देखिए राजेश कटवी। जी हाँ, जिन्होंने वासी में जो बैटिंग की थी ना बाबा, तो बाकेदार बैटिंग की थी और बेस्ट बैट्समैन भी बने थे वासी में। विशाल उड़ियान आउट होकर वापिस आते हुए, जी हाँ ये मैच में कुछ खास करतब नहीं दिखा सके विशाल उड़ियान। अभी बल्लेबाजी का जोर संभाला है, एकदम परफेक्ट जोड़ी राजेश गढ़वी और हरीसी बापू। बॉलिंग में रमेश, खराब थ्रो, बहुत ही खराब थ्रो। हरीसी दूसरे रन के लिए भागे थे लेकिन राजेश गढ़वी ने मना किया, बोलते अभी बैटिंग करूंगा मैं, करूंगा दिखाऊंगा कैसे छक्के लगते हैं। अभी राजेश गढ़वी कितने सिक्स मारते देखते हैं, अभी देखते हैं राजेश गढ़वी। जी हाँ, यहाँ पे राजेश गढ़वी के आते ही सजा चाकी की ओर से एक अनाउंसमेंट है, हैट्रिक सिक्स मारते तो 251 रुपीज का कैश प्राइज, नगद पुरस्कार 251 रुपए। ओ ये वन बाउंस लेकिन वाइड भी दे दिया है, बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ऊंचा बॉल वाइड। जी हाँ, घुमाया तो इतने जोर से था,
अगर राजेश कभी तीन बॉल में तीन सिक्स हैट्रिक सिक्स मारते तो सेजू की ओर से 251 रुपीस कैश प्राइस, 251 रुपए का नगद पुरस्कार। मैच जीते न जीते लेकिन नगद पुरस्कार जीत के जाइए आप। ओहो घुमाने की कोशिश की, हिट मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब राजेश गढ़वी। जी हाँ, बॉल के पीछे देखिए लालू एंड तक जाते हैं बॉल के पीछे। लालू लाल जी जिनका स्ट्रेंथ देखिए आप, जिनके ट्रैक का आप कॉम्बिनेशन देखिए, एक साइड ब्लू है तो दूसरी साइड ब्लैक है तो तीसरी साइड ग्रीन है, वो खुद देख रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है। जहां पे मैं बताता हूं तभी करते हैं, वहां पे घनश्याम भी देख रहे हैं, कहीं उसका भी कुछ कलर में चेंजेस नहीं है ना, उसको देख के दिलीप ने भी रंग बदला है। 47 रन बन चुके, अभी बॉलिंग में आ चुके हिरन रंगानी। हिरन रंगानी की पेस देखिए भाई, दौड़ जो नहीं चौकोच से गना वाइट दो। जी हाँ, ये तो मुफ्त का रन है, मुफ्त की मलाई, मुफ्त के रन, 5 रन। यहाँ पे ठंडे पानी की मजा लेते हुए हमारे कमेंटेटर इस चाकी। वैसे धुआंधार कमेंट्री कर रहे हैं ऐसा चाकी, आज बल्ले से नहीं लेकिन माइक का जवाब। बल्ले से तो क्या चांस नहीं मिला था, अगर ओपन में रहते तो कुछ मैच का नजारा हुआ रहता था, सेकंड सेमीफाइनल शायद हम भी खेलते ऐसा भी चांस रहता था, अगर ओपनिंग पेयर चेंज रहता था, 07 और प्रेम आ रहते थे तो कुछ और देखने का मिलता था, लेकिन क्या है मैच है, अगर मगर का कुछ नहीं बोल सकते अपन। वैसे रोहित को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, भरत भाई के एक कुंवर। हरीसेन उठाया उसके नीचे वेदांश, क्या कैच ड्रॉप करेंगे या लेंगे, लेकिन भाई ऐसे कैच नहीं होता है, कैच को जज करना पड़ता है। जी हाँ, थ्रो भी कर रहे तो कैसे कर रहे हैं देखो। तीन रन ले लिए तब तक रोहित सुतार। अच्छा हीरा नंगानी बॉलिंग में, राजेश गढ़वी अगर हैट्रिक सिक्स मारते तो शहजाद की ओर से 251 रुपीस, 251 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। राजेश गढ़वी कम से कम मैच तो जितना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप नगद पुरस्कार जीत के जाइए तो सबको अच्छा लगेगा। ओ ये हवा में गेंद, उसके नीचे गौरव, परफेक्ट कैच गौरव की ओर से। अभी बैटिंग के लिए कौन जा रहा है, देखना है कौन बचा है खेमे में भरत भाई के। ओहो अभी तो जा रहे हैं अमित, अमित जा रहे हैं अभी बैटिंग करने के लिए। अभी दूसरा मैच राजकोट स्टार्स वर्सेस रामदेव इलेवन। रामदेव इलेवन आपको आपके बल्लेबाज रेडी रखने हैं और राजकोट स्टार आपको आपकी गेंदबाजी और फील्डिंग स्टेंस रेडी रखना है। जैसे ही नहीं खत्म होता है आपको एंट्री मारनी है ग्राउंड के अंदर और जल्द से जल्द फील्ड सजानी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड बॉलर हिरन अंगानी टू अमित वाघेला। जिया एक अच्छे बॉलर साबित तो हुए अमित वाघेला, लेकिन बल्लेबाजी कैसी करते हैं वो आज देखेंगे। बॉबी के नाम से जाने जाते हैं, पूरा देश उनको बॉबी के नाम से जानता है, आज देखते क्या करते हैं भरत भाई के लिए अमित वाघेला। ओहो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग हिरन अंगानी की बॉलिंग देख सकते हैं आप यहां पे, यूट्यूब पे भी लाइव है, YouTube live as you can search Star Cup 2019 or Prince movie. अच्छा राजेश गढ़वी कमेंट्री बॉक्स में आते हुए निराश जरूर हैं आज। सात बॉल में 62 रन जीतने के लिए चाहिए, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है मैच में, कमेंट्री करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इसके बाद का मैच है राजकोट स्टार मुंबई वर्सेस रामदेव इलेवन। अच्छा अमित जैसे बल्लेबाज है लेफ्ट हैंड तो आप उनको पहले भेजिए ना, मैक्सी भी बाकी है, महेश आहिर जैसे चिकी चिकी बैट्समैन भी बाकी है तो आप उनको भी भेजो तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ बैटिंग स्ट्रेंथ मजबूत हो सकता है। कहीं ना कहीं आज गलती कर गए भरत भाई मिस्त्री की ओर से, कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप में
महेश देखिए जो रेड कैप पहन के नाकुश, महेश आहिर, कर्शन आहिर, सब नाकुश खेमा दिख रहा है आज। ये मैच खत्म होने के बाद मैं निमंत्रण दूंगा उनको थोड़ा कमेंट्री में, क्योंकि बहुत अरसा गुजर गया उनका कमेंट्री नहीं सुने हुए। ओ हो हरी सिंह बापू क्लीन बॉल हो गए है। देखिए उनके फैंस कितने नाराज हो चुके हैं। फर्स्ट बॉल पे जो पूरा हरी सिंह का जो खेमा बैठा है, हरी सिंह को जो चीयर अप कर रहे थे वो नाराज। अभी बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं डोंबिवली एंड के स्टार बॉलर और अच्छे बल्लेबाज जैसे आकाश जाडेजा। जी हाँ 116 रन का बहुत ही बड़ा स्कोर। और हरी सिंह कुछ स्ट्रोक लगाए उन्होंने लेकिन वापिस आ गए। 501 का इनाम ऐसे रह गया और खंडाला की चिक्की का भी इनाम ऐसे रह गया। गवा दिया आपने हरी सिंह बाबू। आप देख सकते हैं अभी बैटिंग करने के लिए आए हैं आकाश जाडेजा। अभी तो औपचारिकता ही बची है, लास्ट ओवर। राजकोट स्टार, राजकोट स्टार आपको फील्ड लगाना है ये इनिंग के बाद। राजकोट स्टार्स ये इनिंग खत्म होते ही आपको आपका फील्ड सजा देना है। आकाश ने हल्के हाथों से मार दिया है लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। अभी उनको भी पता है औपचारिकता बचा है, कुछ नहीं बचा है मैच में। जी हाँ पहली बार कच्छ वॉरियर्स फाइनल में। जी हाँ लास्ट ओवर रन हो चुके हैं। ये चौका या छक्का है सिक्स, ओके 68 रन। जी अमित बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। जी हाँ अमित भी अगर लास्ट में हैट्रिक मारते हैं तो कुछ न कुछ कैश प्राइज यहां से अनाउंस हो सकता है। जी हाँ राजकोट स्टार रेडियो है। इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल बहुत बड़ा मुकाबला, राजकोट स्टार वर्सेस रामदेव इलेवन थाने, राजकोट स्टार्स मुंबई। जी हाँ उनमें बहुत बड़े बड़े नाम, यंगस्टर कप्तान। दूसरा छक्का मार दिया यहाँ पे अमित ने। कहां पे रखा था भरत भाई इतना टाइम इनको? भरत भाई जी हाँ मैं आपको पूछना चाहूंगा कहां पे छुपा के रखा था ऐसा टैलेंट। 116 रन चेस करना है तो ऐसे टैलेंट को ओपन में भेजो ना, ओपनिंग करवाओ, पावर प्ले भी रहता है, दो ओवर में 40-45 रन ठोको। लेकिन अब क्या जब चिड़िया चुक गई खेत भरत भाई। अभी आउट हो गए उसका कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि दो बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए। जी हाँ राजकोट स्टार्स आपको फील्ड सजा देना है जल्दी से जल्दी। और रामदेव इलेवन आपको बल्लेबाज भी तैयार रखने हैं। वेल डन कच्छ वॉरियर्स। कच्छ वॉरियर्स का कप्तान दिलीप रावरिया बहुत ही खुश क्योंकि पहली बार वो फाइनल में पहुंचे है। जी हाँ बहुत ही खुश नजर आते हुए कच्छ वॉरियर्स के स्टार प्लेयर, पूरी कच्छ वॉरियर्स का खेमा। जी हाँ राजकोट स्टार्स जाती हुई नौ बोल दे दो नौ बोल। सर न्यू बॉल सर बोल दे दो। राजकोट स्टार्स कैप्टन कार्तिक आपके पास 35 मिनट है, 35 मिनट में आपको 8 ओवर कंप्लीट करना है। ओके जी लो जिंदगी आपकी 35 मिनट में, दिखा दो अपना रंग। जी हाँ कच्छ वॉरियर्स के देखिए चेहरे देखिए खुशहाल। जी हाँ फाइनल में पहुंच गए कच्छ वॉरियर्स। जी हाँ जो कहूंगा मैं अभी बहुत तारीफ करनी जिनकी बाकी है, वैसे नए यंग कप्तान दिलीप रावरिया बहुत खुश और उनके जूने कप्तान भी आज खुश है क्योंकि मैं निकल गया तो बोलते हैं। जी हाँ भाई
આવાજ નથી આવતો, શું કયો ભાઈ? મેચ ચાલુ છે, આપણે ટુર્નામેન્ટ તમને કીધું હતું ને 3 તારીખ. કામ છે કઈ ઇરશાદ ભાઈ? ગાડી તો સેડ આજે મુશ્કેલ છે, કારણ કે અત્યારે મેચ ચાલુ છે બધા પ્લેસ. ગાડી તો મુશ્કેલ છે આજે. ક્યાં જવાનું છે? ક્યાં જવાનું ક્યાં છે?